एक दफा आप टर्की साइप्रस में शेख नाजिम से आप मिले थे, वो क्या किस्सा था? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। शेख नाजिम है जो नक्शबंदी सिलसिले के वो जी हेड थे, क्योंकि वफात हो गई थी। वो कोई इत्तफाक की बात है कि मेरा एक ऐसे जी का मेरा साथी था कर्नल सुलेमान, उसने मुझे कई दफा मैसेज भेजा कि भाई वो शेख नाजिम साइप्रस में होते हैं, वो जी, जी। तुर्की का जो हिस्सा है साइप्रस जी, उसमें वो बुला रहे हैं, तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं, तुम जाओ उधर। तो मैं फ्रेंकली नहीं गया, साइप्रस कहाँ कौन जाए। लेकिन फिर उन्होंने उनका बेटा जी और सन इन लॉ जी वो दुबई आ गए, और दुबई आकर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो मैंने अभी तने उन्होंने तकलीफ किया, मैंने उन्हें खाने पे बुलाया जी। अब खाने पे आए वो, उन्होंने फिर उनके बेटे ने भी कहा कि हमारे वालिद जो है वो आपको इनवाइट करें। अच्छा, आप साइप्रस आए जी। तो मेरी वाइफ ने कहा, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस है, उन्होंने कहा तुम कितनी दफा, वो पहले भी कर्नल सुलेमान कह रहे हैं, अब ये इतनी दूर से आए हैं, वी मस्ट गो। तो मैंने कहा चलो चलो फिर चलते। तो वी वेंट फ्रेंकली, और उधर मुझे बहुत जबरदस्त रिसेप्शन हमें होटल में रखा गया। अगले दिन हम शेख नाजिम इधर गए, वो गांव में कहीं जी था उनका घर, ड्राइव करके गए। वहाँ वो सो रहे थे, उस वक्त प्रोग्राम ये था कि सबसे पहले मुलाकात होगी, फिर खाना वाना होगा जी, और बीच में एक नमाज भी साथ होगी। तो प्रोग्राम चेंज हुआ, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने नमाज का टाइम हो गया था, नमाज मस्जिद में ले गए। तो वहाँ मस्जिद ने नमाज पढ़ी, लेकिन उधर एक खास बात जो हुई, वो उन्होंने सामने मुझे माइक पकड़ा दिया नमाज के बाद, और कुर्सी तक थी सामने के आप बोले। वहाँ कोई छोटी मस्जिद थी, कोई 100 लोग थे, लेकिन हर तरफ से आए हुए थे जी। इंडोनेशिया मलेशिया से बड़े 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 लोग आए हुए थे। अच्छा, वो नक्शबंदी सिलसिले के। तो खैर, पहली दफा मैंने ऐसी चीज वहाँ मस्जिद में मैंने बोलना जी, तो मैं घबराया काफी जी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं चलो, इस्लाम के बारे में मेरी कोई इतनी स्पेशल वो नहीं है नॉलेज, लेकिन मुसलमानों के बारे में तो मेरी बहुत नॉलेज है, वो तो मैं कर रहा था वो जी, के लिए जी। मैंने उसके ऊपर बोल दिया। एनीवे वो तो अलग हो गई। फिर बाद में शेख नाजिम सो रहे थे, 93 years old। बाद थोड़ी देर बाद मैसेज मिला कि वो जाग गए, उठ गए, अब आप आए जी। तो मैं ऊपर गया, ऊपर सीढ़ियों पे ऊपर गया। तो मैं मतलब ये अब मैं आपको क्या बताऊं, ये अजीब सी बात मैं आप कहने वाला हूं, लेकिन अनबिलीवेबल है। लेकिन ये तारिक यहाँ मेरे जो सिक्योरिटी वाले, वो भी मेरे साथ ही था। अच्छा अच्छा। और मैंने उनको हाथ मिलाकर, मैंने उनके हाथ में चूमना चाहा जी, तो यू वोंट बिलीव इट कि वो मेरे हाथ चूमने लगे। अच्छा, वाह। एंड आई गॉट एम्बैरेस्ड एन ओल्ड मैन। और खैर, मैं बैठ गया उधर कुर्सी पे, वो सामने जी, उनका बेटा और सन इन लॉ नीचे जी बैठे हुए। तो उन्होंने अपनी पगड़ उतार के जी जी मेरे सर को पहना दी। वाह। मैं फिर एम्बैरस की मैं खड़ी है, मैं क्या बोलूं। तो फिर अच्छा, पुट इट ऑन माय हेड। अच्छा, हैंड आई मीन ये चीजें मैं क्या बताऊं, ये ये, तो ये, ये, ये ये हकीकत है, आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है। टच माय नीज लाइक दैट, वाओ, एंड आई हैड टू होल्ड हिज हैंड। राइट, मैंने कहा जी आप, आई एम गेटिंग वेरी एम्बैरेस्ड, मेरे लिए तो आप कितने बुजुर्ग हैं जी। तो फिर उन्होंने बड़ी बातें की, क्या दोबारा हुई, अजीब सा लगता है मैं अपनी बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, वो उन्होंने मेरे को वही कहा, वही बात था। वो कहने लगे कि मैं तो मैंने ख्वाब में देखा है आपको। अच्छा, एंड ख्वाब में एक बहुत बड़ी फौज है जी, उसके आगे आप घोड़े पे, अच्छा, सफेद घोड़े पे, और आपके पास झंडा है। वाह। जो एक तो उस झंडे में काला रंग है, हरा रंग है। अच्छा, और मेरे ख्याल में सफेद उन्होंने कहा था।
वो आपका ये चीज है वो अब वो उनकी पगड़ जो दी हुई है वो मेरे पास है वहाँ अच्छा अच्छा हाँ वो कराची में अच्छा मेरे घर में अच्छा तो उन्होंने पक्का मुझे वाह गिफ्ट कर दिया उन्होंने आपको हाँ तो ये आई मीन ये अब ये हुआ है ये